इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन चुके हैं। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अदल के ठिकाने पर ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया। ईरान के हमले के बाद से पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि उसने ईरान से अपना राजदूत वापस बुलाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने ईरानी सरकार को साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपने राजदूत को पाकिस्तान वापस ना भेजें। पाकिस्तानी सरकार चेतावनी देते हुए ये कह चुकी है कि हम ईरान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। कुछ खबरों में दरअसल दावा किया गया कि ईरान के हमले के 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी और उनके परिवार के लोग यहां पर दर्ज जल चुके हैं, मारे जा चुके हैं। परमाणु बम की धौंस दिखाने वाला पाकिस्तान इस वक्त ईरान से बदला लेने के लिए तड़प रहा है, बेचैन है। लेकिन मुश्किल यह है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पाकिस्तानी सेना में खौफ पैदा कर दिया है। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स इस बात से हैरान हैं कि आखिर ईरान ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर इराक और पाकिस्तान में हमलों को अंजाम कैसे दे दिया। पाकिस्तान में भी ईरान ने इतने भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं कि पाकिस्तानी सेना और सरकार बुरी तरह से खौफ में आ गई। पाकिस्तानी मीडिया के दावों के मुताबिक पाकिस्तान ने हमले के तुरंत बाद ईरान से अपना राजदूत वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। हम आपको बता दें कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दो आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। इस हमले से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी जहां इस हमले का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम अनवर उल हक काकर ईरानी हमले से सख्ते में आ चुके हैं। ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर बलूचिस्तान में हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सुन्नी आतंकी समूह जैश अल अदल के दो ठिकानों पर किया है, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में हुए ईरानी हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जरा देखिए यह हमला कैसे हुआ। खबरों के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश अल बदल के दो ठिकानों पर हमले किए हैं और कल ही ये हमले वहां पर किए गए और ईरान ने इस हमले में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। तो ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और साथ साथ दो ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईरान ने कल हमले किए हैं और पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में ईरान ने घुसकर ये हमले किए हैं। लगभग 122 किलोमीटर अंदर घुसकर ईरान ने पाकिस्तान में मौजूद जैश अल अदल पर हमला किया है, जिसमें कई लोग मारे गए और ईरान की मीडिया के मुताबिक सीरिया में मिसाइल हमलों के बाद यह अटैक किया गया है। ईरान की मीडिया ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान में जैश अल बदल आतंकी समूह के दो प्रमुख गढ़ इस ऑपरेशन का केंद्र बिंदु थे, जिन्हें विशेष रूप से ध्वस्त किया गया। और हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ पाकिस्तान के पीएम ईरान से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। Can you talk to us about your meeting with the Iranian foreign minister? Will Pakistan respond to the strike? Move. पाकिस्तान पर ईरान के एयर स्ट्राइक के बीच एक बड़ी खबर आई है। ईरान के हमले से ठीक पहले पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर की मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से हुई थी। पाकिस्तान हैरान है, आखिर ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर यह हमला क्यों किया है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर की मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दोनों नेता दावोस पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात के 12 घंटे बाद ही ईरान ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक कर दी। सवाल उठ रहे हैं कि जब
ईरान और पाकिस्तान संबंध सुधारने को लेकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे हालात में ईरान ने पाकिस्तान में 122 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला क्यों किया? ईरान के दावों के मुताबिक पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना बेहद जरूरी हो गई थी, क्योंकि पिछले महीने दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में एक ईरानी पुलिस स्टेशन पर पाकिस्तानी सीमा की तरफ से हमला हुआ था। इस हमले में 11 ईरानी पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने हमले के लिए जैश अल अदल को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके ठिकाने पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद है। ईरान ने बार बार चेतावनी दी है कि जैश अल अदल आतंकवादी समूह उसके सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है और बलूचिस्तान के सीमावर्ती शहर पंजगुर में इसके ठिकाने हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार ने ध्यान नहीं दिया और ईरान ने आखिर में पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों पर हमला कर दिया। Night's unprovoked and blatant breach of Pakistan's sovereignty by Iran is a violation of international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations. This illegal act is completely unacceptable and has no justification whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran.